हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता'स किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो मैं आज एक DIY वीडियो लेकर आई हूँ, तो होममेड हैंडमेड लिफाफा बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बना लेते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पतला कार्डबोर्ड, जो साड़ी या कपड़ों के साथ जो आता है उस तरह का कार्डबोर्ड ले लिया है। और इसको जैसा भी आप शेप में कट करना चाहें, जिस तरह का लिफाफा बनाना चाहें, उस तरह से पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो लिफाफे होते हैं ना, वो 10 इंच होती है उसकी लंबाई, और 4-4, 5-5 इंच की उनकी चौड़ाई होती है। तो इस तरह से देखिए, हमें जैसा भी लेना है अपने हिसाब से हम इसको इस तरह से दबाकर शेप बना लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं कैंची से कट करके इसको अलग निकाल लेंगे और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और अच्छे से फोल्ड को मतलब अच्छे से दबा दबा के हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे, ताकि वो खुले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिफाफा का जो एक मेनली जो आकार होता है वो इस टाइप का ही होता है। तो जो है ये देखिए बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो आज जो ये लिफाफा हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं बचे हुए कतरन या फैब्रिक, जो हम ब्लाउज़ के या साड़ी के, पेटीकोट के, जो भी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं और वो बच जाता है थोड़ा मोड़ा, तो मैं उसी कतरन से आज ये DIY वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें देखिए थोड़े थोड़े कपड़े बचे हुए हैं। इस तरह के कपड़े को क्या यूज़ करें पता नहीं चलता, तो आप बना सकते हैं कोई भी DIY। तो मैं इस तरह के लिफाफे बना लेती हूँ, जो देने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए ब्लाउज़ का है, इसका भी बनेगा ना फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस तरह के जो हैंडमेड लिफाफे आप अगर मार्केट में लेने जाओगे, तो वो 100 से 150 रुपए तक के मिलते हैं, जो आप घर में बहुत ही कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये देखिए गत्ते हैं, कार्डबोर्ड है, जिसको मैंने परचेज़ नहीं किया है, जो साड़ी में से निकला है वो है ये गत्ता। और ये जो कपड़ा है वो मैंने एक सलवार बनाया था, तो बस उसका बचा हुआ है। इस तरह से हम कपड़े को क्या करेंगे कि आप हम इसे कार्डबोर्ड के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमें सिलना नहीं है, इस तरह से ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं आप, और या फैविकॉल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ग्लू गन से थोड़ा जल्दी चिपक जाएगा और फैविकॉल से थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड्स चिपकने में, लेकिन मैं फैविकॉल ही यूज़ करूँगी। तो फैविकॉल से अच्छे से चिपका लेंगे चारों साइड से, हमें जो है किनारे वो करते जाना है। आप वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो लिफाफा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो मैंने सारे किनारे जो हैं वो उसमें फैब्रिक लगा दिया है, और हाफ जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ भी अच्छे से गम को लगाकर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और ये देखिए फटाफट से 5 से 10 मिनट इसको लगता है, और ये एक लिफाफा आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो ये सिंपल भी आप रख सकते हो, नहीं तो इसमें थोड़ा सा आप लेस लगा सकते हो, जड़ी लगा सकते हो, जिससे आपका जो ये लिफाफा है वो बहुत ज़्यादा एथनिक लुक देगा और बहुत ही मतलब खूबसूरत भी लगता है। तो आप इसे स्टेपलर से भी पिन कर सकते हैं, जिससे कि लेस जो है वो हमारा निकले नहीं। अगर ग्लू गन से आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तो और जल्दी चिपक जाता है। तो मैं यहाँ पर स्टेपलर से ही इसको अच्छे से कर लूँगी, और थोड़ा सा सूखने का वेट कीजिए। बाकी ये हो चुका है देखिए,
तो जो हमारा लिफाफा है वो बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो हम दूसरी साइड से भी लेस लगा लेंगे, जिससे कि इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा लिफाफा है वो फर्स्ट लिफाफा देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसी तरह से थोड़ा सा और डिज़ाइन बदल बदल कर आप दूसरे तरह से भी लिफाफा को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और लिफाफा बन चुका है और इसमें मैं यहाँ पे ये जो लेस है ये गाउन में से निकला है। एक गाउन था डॉटर का जो कि इसमें ये गले पे लगा हुआ था, तो मुझे वो पसंद नहीं था तो मैंने उसे निकाल दिया है। और जो उसका स्टोन है वो बहुत ही अच्छा है, तो स्टोन जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैंने एक सिल्क की साड़ी पर भी ब्लाउज पे उसके लगाया है और इस तरह से कट करके इसे भी यहाँ चिपका दूँगी, जिससे इसका जो लुक है वो और भी खूबसूरत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आगे बने रहिए और एक नए तरह का बनाऊँगी। तो इसको दूसरी तरह से काटा है, 5 इंच इसका नीचे का है और 5 इंच ऊपर का है भी है। तो ऊपर का जो थोड़ा सा लंबा वाला हिस्सा है वो 7 इंच है, ताकि जो खोलने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। और इस तरह से गोलाई करके हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर एक डोरी बांधेंगे, जिससे कि हाथ पे पकड़ने के लिए वो बनेगा। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो ब्यूटीफुल लिफाफाज हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। मार्केट में जाएंगे लेने तो 150-100 रुपये में मिलते हैं, जो कि आप घर में बिना किसी जीरो बजट से ही आपने बना लिया लेंगे ऐसे DIY लिफाफाज, तो जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए और इम्प्रेस कीजिए फैमिली को, फ्रेंड्स को। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।